खातिन हजरात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में इन सर्च ऑफ विजडम का एपिसोड नंबर 52 52वां बाब पेश कर रहे हैं। आज हमारा मौजू है नॉन वायलेंस, मोहनदास गांधी और हिंदुस्तान की आज़ादी। हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे लियो टॉल्स्टॉय के बारे में तबादला ख्याल किया था। लियो टॉल्स्टॉय फौत होने से पहले एक ख़त लिख गए थे, जिस खत था ये लेटर टू ए हिंदू, जो मोहनदास गांधी ने पढ़ा नौजवानी में और टॉल्स्टॉय से कहा कि मैं इसका गुजराती में तर्जुमा करना चाहता हूँ, क्योंकि उस खत में टॉल्स्टॉय ने कहा था कि अगर हिंदुस्तानियों को आज़ादी चाहिए तो उनको नॉन वायलेंस का तरीका इख्तियार करना चाहिए, इस रास्ते से वो गए। तो इस तरह ये उनके एक तरह से मुरीद डिसाइपल बन गए। और साउथ अफ्रीका में इन्होंने जो अपना फार्म बनाया उसका नाम भी इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म रखा। ये छोटे से कद के धोती पहने हुए ये इतने थ्रेट बने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कि विंस्टन चर्चिल ने, मैं ख़ास एक जुमला आपके लिए लेकर आया हूँ, विंस्टन चर्चिल ने 1931 में अपनी तकरीर में कहा, वो गांधी के बहुत ख़िलाफ़ थे। ज़रा अंदाज़ा करें कि ये चर्चिल साहब जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने इंग्लिस्तान के, कहते हैं, इट इज़ अलार्मिंग एंड ऑल्सो नॉजिएटिंग टू सी मिस्टर गांधी ए सेडिशियस मिडिल टेम्पल लॉयर नाउ पोजिंग एज ए फकीर ऑफ ए टाइप वेल नोन इन द ईस्ट स्ट्राइडिंग हाफ नेकेड अप द स्टेप्स ऑफ द वाइस रीगल पैलेस टू पार्ली ऑन इक्वल टर्म्स विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एम्परर। उनको इन्होंने हाफ नेकेड फकीर कहा, और यही हाफ नेकेड फकीर आज सारी दुनिया में नॉन वायलेंस और पीस का एक सिंबल जाना जाता है। तो हम इनकी ज़िंदगी, इनके नज़रियात, इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं, चूँकि आपको पता है बुलंद इकबाल साहब तारीख, जुग्राफिया, सकाफत से मुझसे ज़्यादा बलद हैं, वाकिफ़ हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि बैकग्राउंड। तो बुलंद इकबाल साहब बताएं, ये जो नॉन वायलेंस है, ये जो जिसको गांधी को जो क्रेडिट मिला, क्या यही इनका रिप्रेजेंटेटिव था, ये टॉल्स्टॉय, या और भी कुछ लोग हैं जिनका नॉन वायलेंस से कुछ ताल्लुक रहा है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा उस दौर पे एक बार फिर नज़र डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये 300-400 साल वो हैं जिसमें यूरोपियंस डोमिनेटिंग पावर थे, कॉलोनाइजेशन हो रही थी, क्या पैसिफिक अमेरिका, क्या अफ्रीका, क्या एशिया और क्या कैरिबियन, हर तरफ यूरोपियंस फैल चुके थे, और ये कॉलोनाइजेशन का डिकोलोनाइजेशन फॉर्मला भी शुरू होने लगा था। तो ये दौर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर हम ये कहें कि 19वीं सदी जो है, बल्कि जो बात लियो टॉल्स्टॉय ने अभी आपने फरमाया ना, वो जो वॉर एंड पीस वाली बात कि अगर वार थी तो फिर पीस भी था, तो दूसरी तरफ फिर हमें ये 33-34 साल की पूरी मूवमेंट हमें गांधी जी की नजर आती है। 1915 में ये हिंदुस्तान आए अफ्रीका से वापस, और 1948 की जनवरी में इनको इनका कत्ल हो गया। तो ये जो पूरा अरसा है 33 साल का, इसमें जो मूवमेंट यहाँ चल रही थी, तो थोड़ा सा अगर हम आसपास देखें तो हमें कई एक चीज़ें नजर आती हैं उसी 20वीं सदी में। फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा था फुनचुट्रिन, ये साहब का नाम मुझे बार बार स्ट्राइक कर रहा था, जिस वक्त वियतनाम की इंडिपेंडेंट वॉर चल रही थी, तो इन्होंने वायलेंट मूवमेंट के खिलाफ उस दौरान, जब हचुमिन वाली मूवमेंट चल रही थी उससे कबल भी, वो इस नॉन वायलेंस को लेकर आगे बढ़े थे। बिल्कुल ऐसी उसी के दौर के आसपास 1919 में अगर हम इजिप्ट चले जाएं अफ्रीका, तो वहां पर भी ब्रिटिश कॉलोनिज्म के खिलाफ जब इजिप्शियन लड़ रहे थे, तो उन्होंने भी एक नॉन वायलेंस शुरू किया था सिलसिला, और पूरी की पूरी उनके गुड्स, उनके तमाम जो थे उसके खिलाफ एक सिलसिला चल रहा था। और अगर चलें जरा सा आगे, और तो बल्कि अगर हम थोड़ा सा देखें अमेरिकन जो शेयर था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो वहां पर मौजूद जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनमें एक का नाम रिचर्ड ग्रेग है, वो साहब भी नॉन रेजिडेंट मूवमेंट के फेवर में थे, और वो अमेरिका के और भी बहुत से लोग थे, उनमें इनका नाम ज्यादा प्रोमिनेंट है कि साहब ना शामिल हों वर्ल्ड वॉर के अंदर, और बहुत इसके अंदर ब्लडशेड है। और इसी तरह अगर हम रशिया की तरफ आ जाएं, तो चेकोस्लोवाकिया पर 1968 पर जब रशिया ने हमला किया था, तो उस वक्त वहां पर जो साहब हुकूमत कर रहे थे अलेक्जेंडर डर्चक, उन्होंने भी कहा था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए। और अगर हम अदीबों और शायरों की बात करें या फाइन आर्ट की बात करें, तो हम पिकासो को नहीं भूल सकते। जब स्पेनिश सिविल वॉर हो रही थी और उनका एक शहर पूरा तबाह बर्बाद हो गया था, तो उन्होंने किस तरह से पेंटिंग की थी, और सारी दुनिया में उसकी अप्रिसिएशन हुई थी कि किस तरह से वॉर जो है। तो ये सारी चीज़ें नज़र में रहनी चाहिए कि उस दौर में कई एक लोग पीस और अमन पर काम कर रहे थे, उसी दौरान मोहनदास गांधी जो है उनसे बहुत लोग मुतासर हुए, तो उन पर हम कुछ बात कर लेते हैं। बिल्कुल,
तो गांधी बनने के बाद जो मैंने इनका जो बायोग्राफी, इनकी बहुत ज़बरदस्त ऑटोबायोग्राफी है गांधी, ये जो ऑटोबायोग्राफी, बल्कि मैंने ज़िंदगी में पहली जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी वो इन्हीं की, मैं ईरान में था और वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी तो वहाँ मुझे ये मिल गई। तो जब पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये 1869 में 2 अक्टूबर को पैदा हुए। बचपन में जो इनकी बहन कहती हैं कि ये बहुत ही बचपन से बहुत रेस्टलेस थे, बहुत ही एक मर्क्यूरियल सी पर्सनैलिटी थी, बहुत बेताबी और बेचैनी और चीज़ कर, जो मेरे लिए हैरानी थी कि उस दौर में 1869 से देखें 1888 में ये साहब लंदन जाते हैं जी, लेकिन लंदन जाने से पहले इन बचपन में इनकी शादी हो गई, 13-14 साल के थे, बहुत बचपन की शादी हो गई। और ये एक ऑटोबायोग्राफी में, ये इतनी ऑनेस्ट ऑटोबायोग्राफी है कि यहाँ बिल्कुल खुल के लिखा है कि मैं अपनी बेटी बेगम के साथ, मुझे एक लस्टफुल रिलेशनशिप था, उधर मेरे वालिद फौत हो रहे थे, इधर मैं तबीयत करना चाह रहा था, तो वो जिस वक्त ये वालिद फौत हुए उस वक्त ये अपनी बीवी के साथ थे, तो वो एक उनको एक तरह से गिल्ट और एक इमोशनल प्रॉब्लम था। और फिर उसके बाद उनका बच्चा पैदा हुआ, वो पहला बच्चा भी इनका फौत हो गया। तो मैं समझूँ कि नफसियाती तौर पर समझने के लिए कि ये 16 साल के हैं और इनके साथ इससे हादसा होते। फिर ये इंग्लैंड चले गए, वहाँ 2-3 साल इन्होंने अपनी लॉ का वो किया, फिर वापस आ गए। फिर उस दौर में, मतलब है ये इतनी अर्ली दौर है कि जब साउथ अफ्रीका जाते हैं 1893 के 24 साल की उम्र है और वहाँ 21 साल रहते हैं, और वहाँ पर इन्होंने ये टॉलस्टॉय फार्म, और वहीं इनको मशहूर हो गए बापू के नाम से, और वहीं इन्होंने एक तरह से जो इंडियंस के मसाइल हैं उनके लिए किया। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानी में ही, बाद में तो बहुत मशहूर है, लेकिन नौजवानी में ही ये इम्कानात, असरात और इनके तसरात है कि ये एक सोशल जो है ना इक्वालिटी और रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन उसके ख़िलाफ़ ये। तो आपको क्या लगता है, इससे पहले कि ये मशहूर हुए इंडिया आए वापस, तो इनका साउथ अफ्रीका और जो पहले का दौर है उसका आपका क्या तासुर बनते हैं? मुझे ऐसा लगा जैसे कि उनकी वालदा के भी असरात थे जब वो छोटे थे, क्योंकि वालिद तो उनके दीवान थे वहाँ के राजकोट के, लेकिन वालदा जो थी बड़ी मजहबी खातून थी, सिर्फ मंदिर और घर ये काम था उनका, और उस जगह गुजरात में आसपास वो उस तरह के पंडित थे जो जैनिज्म को फॉलो करते थे, तो जैनिज्म के असरात उनका बचपन में नजर आते हैं। अच्छा, अभी आपने फरमाया साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में मैं चाह रहा था थोड़ा सा हम देख लें, क्योंकि बेसिकली मजहबी आदमी थे, तो इन्होंने उस दौरान खासा मुताला किया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, उन्होंने अपना जो उपनिषद है वो तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ में मोहम्मद सल्लम की भी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, और गीता भी और ज़रतुश्तर भी, तो इनका मुताला उस तरफ भी था। फिर वेस्ट में भी उनकी नज़र थी कई एक लोगों के ऊपर, मैं देख रहा था कि नासिफ लियो टॉलस्टॉय का, जैसे जिक्र आपने लास्ट टाइम किया था, द गॉड इज़ विद इन यू वाली फिलासफी जो है क्रिश्चियनिटी से जो आ रही है नॉन वायलेंस की, कि हज़रत ईसा ने कहा एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, साथ ही साथ और भी लोग जॉन रस्टिन इनके रस्किन इनके उसमें थे, और हेनरी डेविड थ्रो का इन्होंने मुताला किया, तो ये वो लोग थे जिनकी नॉन वायलेंस यानी ये मुताला इन पर असर कर रहा था। फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि वो वहाँ पर कुछ इनके साथ जो वाकयात हुए, नंबर वन, 3-4 वाकयात तो उनके साथ हो गए, लाइक जैसे ट्रेन में वो थर्ड क्लास का फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया और कहा तुम थर्ड क्लास में सफ़र करोगे, और वो बेचारे बारिश में भीगते रहे, या इसी तरह जब वो एक बार बस में चढ़ रहे थे तो जिन स्टेप्स उनको चढ़ना था वो गोरों का रास्ता था तो बस ड्राइवर ने उनकी पिटाई कर दी, बिल्कुल ऐसी हॉस्टल से उनको निकाल दिया गया इसलिए कि वो यूरोपियंस के लिए था, बिल्कुल ऐसी एक बार वो कोर्ट में पेशी के लिए गए जब उन्हें नई मुलाजमत मिली थी वहाँ पर, तो उन्हें जो है कहा कि आप ये टर्बिन उतार कराएं, उन्होंने वो कोर्ट में गए नहीं वो उसके बाद, तो इस किस्म के 4 वाकयात तो उनके साथ ही नजर आ जाते हैं। फिर कम्युनिटी में जो वाकयात हुए तो वहां हम देखते हैं कि वो जो एक पूरा का पूरा सिलसिला होगा कि नतल इंडियन कांग्रेस की बुनियाद उन्होंने रखी, और फिर जो वोट का प्रॉब्लम हुआ था, यानी गए वो 1 साल के लिए थे मगर रहे 21 साल, वजह उसकी ये थी कि वहाँ इंडियंस जो तकरीबन 75,000 आबाद थे उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, एक तो वोट का मसला हुआ था जिस पर नतल इंडियन कांग्रेस के हवाले से काम किया उन्होंने, और फिर वहाँ गिरफ्तार हुए 2 बार, है ना, 3 महीने जेल में रहे साउथ अफ्रीका में। उसके बाद फिर जो एक और बात हुई थी वो जो ट्रांसवाल वाली, कि जब रिपब्लिकन ट्रांसवाल तैयार वो हो गया तो इंडियंस की रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तो उसके बाद फिर इनके खिलाफ मुकदमा बन गया था, लेकिन जवाब में इन्होंने वही किया जो इन्होंने स्टडी की हुई थी, उन्होंने ये किया कि बदले में उन्होंने एम्बुलेंस ली और वॉलेंटियर लिए, और जब वॉर हुई, बोहर वार हुई बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, तो उन्होंने ब्रिटिश कॉर्प्स लाशें उठाने का काम किया, तो यानी मोहब्बत से जवाब दिया, तो दिस इज व्हाट द फिलॉसफी वर्क देयर। तो ये नॉन वायलेंस फिलॉसफी, यानी जब तक वो वहाँ रहे, और इस दौरान लंदन भी गए गोलमेज कॉन्फ्रेंस, या इट वाज नॉट अ गोलमेज कॉन्फ्रेंस मगर वो मेरा ख्याल इंडियन कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, या इंडिया गए, तो वो एक नेशनल लीडर बन गए थे।
तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका में एक पिच तैयार हो गई थी जो बाद में इंडिया में बड़ा टेस्ट मैच शुरू होने वाला था, उसके लिए एक आदमी लीडर बन गया था। अब मैं एक छोटी सी बात बुलंद इकबाल साहब करूं जो मेरे लिए दिलचस्पी की बात थी कि जब मैंने मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी पढ़ी, स्टैनले वॉलपर्ट जिन्होंने लिखी है, उसमें वो ये कहते हैं कि जब ये वापस इंडिया आए, अब मुझे नहीं पता था कि जिन्ना के जो वालिदैन हैं वो भी गुजरात के हैं, ये जो गांधी है इनके भी गुजरात के, तो दोनों की फैमिलीज, तो अब जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं वो इनको वेलकम करते हैं। अब एक एन बिसेन ने प्रोग्राम किया, इनको वेलकम किया कि आप सपूत वापस आ रहा है, तो जिन्ना ने खड़े होकर सूट और टाई जैसे वो थे एक अपने ब्रिटिश साइड में, उन्होंने अंग्रेज़ी में तकरीर की, उनको वेलकम किया। ये काफ़ी नाराज़ हो गए, इन्होंने बल्कि खुलकर खड़े होकर एतराज़ किया कि हमें गुजराती में बात करनी चाहिए, हमें मुकामी बात करनी चाहिए, ये क्या ब्रिटिश वाला। तो जिन्ना का और इनकी जो पहली मुलाकात है वहाँ से एक थोड़े थोड़े एक तरह से टेंशन डेवलप हुई जो बाद में बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। तो मैंने कहा ये भी एक दिलचस्प बात है। तो फिर इनको जो मिला एक तरह से मुकाम मिला, इनको रिस्पेक्ट मिली और फिर बढ़ते बढ़ते, तो हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा इनके बारे में बात करें। तो ख्वातीन हज़रात, ये बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है कि मोहनदास गांधी के इंडिया में हैं, फिर साउथ अफ्रीका जाते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, फिर वापस इंडिया आते हैं और 21 साल तवील अरसा, उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होते हैं और एक पूरी मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं, जिसके बारे में हम मज़ीद अगले हिस्से में बात करते हैं। तो यहाँ हम छोटा सा आपसे ब्रेक लेते हैं। इसी तकरीब में शिरकत भी आपके प्यारों को कोविड-19 की जानलेवा बीमारी का शिकार बना सकती है। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, अपने घरों में रहें और जिंदगियां बचाएं। ग्रैंड फेस्टिवल, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स इन ओंटारियोस हिस्ट्री, मोहम्मद अशरफ ऑफ सेंचुरी 21 किंगडम रियलिटी इज हियर टू ऑफर यू अ यूनिट इन इट। वी आर ब्रिंगिंग यू फर्स्ट एक्सेस टू द प्लेस and we can assure you, you can get a unit here if you come along with us. This project will have two towers introduced just now, fully luxury, with the schools, commercial, as well water parks, shopping, subway, everything is at the doorstep. You need to contact me directly or my team. And Century 21 Kingdom Realty is here to offer you an opportunity to own a unit in Grand Festival 1. Hakka House, an authentic halal Chinese and Thai cuisine in Milton. Mazedar khano ka markaz, community ka pasandida halal Chinese restaurant. Dine-in, take-out, delivery and catering. Family ke saath aaiye, hum aapki khidmat ke liye tayyar hain. 395 Main Street East, Milton. Phone number 905-878-7800. Or visit our website hakkahousemilton.ca. Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge with Sylvan Edge. Our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. सिल्वन लर्निंग सेंटर, आपके बच्चों का कामयाब मुस्तकबिल ही है हमारी पहचान। हमसे रब्ता करें एट 905-814-8177, मंडे टू फ्राइडे 12 PM टू 8 PM एंड सैटरडे 10 AM टू 2 PM। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सारा सिंह एंड आई एम योर लोकल मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट इन द राइडिंग ऑफ ब्रैम्पटन सेंटर।
I know that the last year has been difficult for many families because of COVID-19. And I want you to know that my office has been fighting on behalf of the residents in Brampton Center. If you need anything at all, don't hesitate to give us a call. My number is 905-454-1233. I hope that you've been keeping well, and we look forward to hearing from you soon. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. Assalamu alaikum. Hello, my name is Kevin Yard, your member of Provincial Parliament for Brampton North. And I know this past year has been hard on everyone due to the COVID-19 pandemic. I want you to know I'm going to fight hard for the residents of Brampton North for any of your concerns down at Queen's Park. And if you have any questions, please feel free to contact my community office at 905-495-8030. घर खरीदने का इरादा हो तो सबसे बड़ा मसला मॉर्गेज की अप्रूवल, मगर अब ये मसला नहीं रहा क्योंकि हमारे साथ हैं मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। मॉर्गेज अप्रूवल सिर्फ एक कॉल के फासले पर। कॉल कीजिए 416-666-1563 और $3,000 कैश हासिल करें। सम कंडीशंस अप्लाई। कॉल कीजिए 416-666-1563 मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। खातियों नजरात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में इन सर्च ऑफ विजडम का एपिसोड नंबर 52 पेश कर रहे हैं। हम मोहनदास गांधी की शख्सियत, उनकी सियासत, मैं ये समझता हूँ कि ये जब वापस इंडिया आए तो इन्होंने, बुलंद इकबाल साहब, जो पूरी मूवमेंट में, अब ये एक मिथोलॉजिकल में नफसियाती तौर पर एक तो लीडर है, एक जो मिथ बनता है, मतलब है कि धोती पहन ली, ऊपर कपड़े भी नहीं पहनते थे, जैसे आपने कहा जैनिज्म से मुतासिर जैन जो जैन वाले हैं वो तो बिल्कुल नंगे, वो तो बिल्कुल मादर पितर आज़ाद, लेकिन उन्होंने कम से कम धोती पहन ली। फिर उन्होंने चरखा के अपनी, मतलब है जो वो है, कपड़े अपने बनाओ, विदेशी चीज़ों से बाइकाट करो, और अपने एक नेशनलिस्टिक जो सोच है, और फिर चले जाते हैं एक मूवमेंट के, जी सॉल्ट मार्च या पत्नी, 400-500 किलोमीटर, बहुत लंबा, मतलब इतना हजारों लोगों को, 2400 माइल, हाँ देखना इतना, हाँ 4000 किलोमीटर, बहुत 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 फास्ट, तो मतलब है ये एक पूरा जो एक सोशल मूवमेंट है। तो इस सारे में जो एक नफ्सियात काम कर रही है कि ब्रिटिश, उनको गवर्नमेंट को बताना है कि हम जो है इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम बाहर बहुत छोटे दुबले पतले कमज़ोर लगते हैं, लेकिन एक अंदर की पावर है जिसको पूरे एक उसको हिला के रखती है। तो इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। आप बताएं कि इसकी जो नफ्सियात है, आप क्या समझते हैं कि जो नॉन वायलेंस की जो नफ्सियात है कि आप दुश्मन का मुकाबला, वहाँ हमने गुरिल्ला वार की बात की थी कि वो छुप छुप के वार करते थे, ये वार भी नहीं कर रहे, ये खामोशी से पैसिव रेजिस्टेंस जो है चल रहे हैं, तो इसका आप क्या समझते हैं, इसका नफसियाती असर लोगों पर और दुश्मन पर और अपने साथियों पर क्या उसका सब बड़ी बात है, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय वाली बात से शुरू कर सकते हैं हम लोग कि लियो टॉल्स्टॉय ने खत लिखा था लेटर टू हिंदू और उन्होंने पब्लिश करा दिया तो ओपिनियन इंडिया के अंदर, साउथ अफ्रीका में, लेकिन जो 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 उन्होंने उठाई बात, क्योंकि मजहबी आदमी थे और चाह रहे थे कि मजहब को उन्होंने सियासत से अलग नहीं किया, ये बात माननी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि मजहब की वैल्यू सियासत में आनी चाहिए, यानी कि नो करप्शन और फॉल्स नहीं होगा, इस तरह से मजहब को शामिल करना चाह रहे थे यूनिफिकेशन के हवाले से, उस लिहाज से नहीं कि वो रेसिज्म चाह रहे। लेकिन सत्याग्रह जो उनकी टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ की और जो उन्होंने वहां से उठाई अपने अपनी मजहबी किताब से उठाई उन्होंने, या संभावा उठाया उन्होंने कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सत्याग्रह यानी पावर एंड सोल, के सोल इज अ पावर, और अपारी ग्राह का मतलब
नो पोजिशन, तो ये बेसिक फिलॉसफी है। और फिर वो आपने बात करी आश्रम की, और फिर वो चरखा काटने वाली बात कि तुम्हें सेल्फ सफिशिएंट होना ही पड़ेगा, अपना कॉटन खुद ही बनाओ, बाहर नहीं जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे मगर लोअर लेवल के पर, ये सब चीजें तो उनकी एक नजर आ रही है फिलॉसफी में। लेकिन दूसरी तरफ जैसा आपने फरमाया कि जो नॉन वायलेंस की मूवमेंट है वो एक बहुत ताकतवर मूवमेंट है। ये शख्स 11 बार जेल गया सर, 11 बार, और एक आध दो बार तो अपनी, एक बार तो अपनी वाइफ के साथ भी, और जेल के अंदर भी इन्होंने अपना सिलसिला रखा। उसके इम्पैक्ट इतने जोरदार रहे कि अल्टीमेटली चीजें अपना असर देती चली गई। यानी अगर हम, आपने उसकी सॉल्ट मार्च की तो बात की आपने, कि सॉल्ट मार्च के लिए भी वो वहां तक चले गए। ये बड़ी सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हैं इसमें, कि सॉल्ट मार्च का मतलब है कि समंदर तक चले गए वॉक करते हुए, पूरा महीने भर तक वॉक किया था, और उसमें उन्होंने जाके समंदर से ग्रेन्स निकाले सॉल्ट के, उसको एक्सट्रैक्ट किया वाटर को, और सारा हिंदुस्तान ये काम करने लगा कि हम नमक जो है खाने में डालते हैं, उसके बगैर खाना मजे का नहीं बनता, तो नमक पर हमारा हक है। या बिल्कुल ऐसे ही जो चरखा है, तो इस किस्म की चीज़ें जो थी वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन बन गई नेशनलिज्म के लिए, और नॉन वायलेंस की वजह से उन्होंने इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दिया कि हम रेजिस्ट नहीं करेंगे। अब उसकी थोड़ी सी आप फिलॉसफी की बात करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि आप इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर बात करें, क्योंकि इस पर एक सवाल उठता है। आप चाहेंगे तो मैं और खोल लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ देर आप बात ज़रूर करें कि क्या नॉन वायलेंस का मतलब ये है कि वो अगर सामने कोई आदमी की पिटाई हो रही है और मैं चूँकि नॉन वायलेंस का आदमी हूँ तो साहब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो नॉन वायलेंस का आदमी हूँ, तो ये तो बुजदिली की बात हो गई। तो ये कह रहे हैं कि यार ये निगेटिव फैक्टर है उसका, ये नॉन वायलेंस ऑफ वीक है कि तुम कुछ नहीं करो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि 10 कमेंडमेंट है कि फलां 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 बुरे काम मत करो, ये नो है। ये वो मॉरल वैल्यू है जिसको हम निगेटिव मॉरल वैल्यू कह सकते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ बैड थिंग बट इन द फॉर्म ऑफ नॉट डूइंग द थिंग, वाइल द पॉजिटिव वैल्यू ये है, वो कहते हैं कि ये करो कि उसके बदले में मोहब्बत का इजहार करो, उसके बदले में चैरिटी करो, उसके बदले में अपने दुश्मन से प्यार करो। यानी जैसे ईसा ने कहा कि भाई मैं तुम्हें भी दुआ देता हूं जिसने मुझे वो स्लिप कर दिया। तो ये है पॉजिटिव मॉरल पार्ट नॉन वायलेंस का। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया, इनसे जब कहा गया कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कैसे मुमकिन है, तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैं मानता हूं मुमकिन नहीं है, मगर परफेक्शनिज्म नहीं मिलेगी, लेकिन तुम कोशिश तो करोगे। वो एक पैसिव रेजिस्टेंस का है कि आप जाएं, मतलब आप एक तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं, आप दुश्मन को बता रहे हैं कि हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं, और आप जैसे मार्च करते हैं आप जो कुछ पर। लेकिन जब ये इसी वजह से ये मशहूर जो हुए, मैं समझता हूँ कि जो मार्टिन लूथर किंग ने, जो ब्लैक गांधी है, बल्कि इन पर एक किताब लिखी है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन ने, गांधी स्ट्रुथ, और उसमें इसका नफसियाती तज्जिया किया है कि आप जाते हैं, आप मुकाबला करते हैं, लेकिन आप उनको बताते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप हम पे जबर कर रहे हैं, आप इस्तेसाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप पर हमला आवर हो, पुलिस या हुकूमत या, तो आप उसका जवाब मत दें, तो आप उस साइकिल ऑफ वायलेंस में शामिल ना हों। इसका एक जो इफ़ेक्ट है मैं समझता हूँ कि वो नफसियाती तौर पर दुश्मन पर एक तरह से नफसियाती ज़्यादा असर पड़ता है, बजाय अगर आप उसको मुक्के मारे या पत्थर मारे या। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही होशियारी के साथ, समझदारी के साथ इस पैसिव रेजिस्टेंस को, जो नॉन वायलेंस को, एक मतलब है नॉन वायलेंस लेकिन उसको एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पे यूज़ किया, मोरल ताकत और जी हाँ। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये समाजी और नफसियाती तौर पे मतलब, और कुर्बानी दी कि लोग कुर्बानी, जब एक कुर्बानी, दो कुर्बानी, चार कुर्बानी, तो ग्रेजुअली मैं समझता हूँ कि 20-30 साल में इन्होंने इतना मोमेंटम क्रिएट कर लिया कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ कि अब अगर कोई कहे कि जी हिंदुस्तान का एक नाम जो है, इसलिए आज हम उनका प्रोग्राम भी कर रहे हैं, कि एक नाम जिसने कि और कई लीडर्स के मुकाबले में एक आलमी सतह पर एक इम्प्रेस किया, वो ये मोहनदास गांधी थे। और मैं समझता हूँ कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक कोटेशन जरूर जो आइंस्टाइन ने, ताकि पता चले कि लोग, हमारे नाज़रीन को, कि किस तरह सारी दुनिया ने इनको, बल्कि ये बराक ओबामा भी गए थे 2010 में इंडिया गए, तो इन्होंने भी उसकी तारीफ। तो आइंस्टाइन ने कहा कि महात्मा गांधीज लाइफ अचीवमेंट्स स्टैंड्स यूनिक इन पोलिटिकल हिस्ट्री, he has invented a completely new and humane means for the liberation war of an oppressed country. We may all be happy and grateful that destiny gifted us with such an enlightened contemporary, a role model for the generations to come.
generations to come will scarce believe that such a one as this walked the earth in flesh and blood. ये एक सारी दुनिया में, मैं तो जहाँ भी गया इनके स्टैचू मिलते हैं, और इनके अफ्रीका में, यूरोप में, इंडिया में, कई पाकिस्तान के, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर इनको इतना वो मिला, तो एक तरह से चूँकि कॉन्ट्रोवर्सी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका जो एक साइकोलॉजिकल और सोशल और जो पॉलिटिकल स्टैचर है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया, और मरने के बाद भी वो बढ़ता चला गया. तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि, तो अब आप ये बताएं कि जो सवाल एक ये पैदा होता है कि गांधी का जो इंडिया की जो मूवमेंट है, देखिए अब इंडिया, और बल्कि हम सियासत से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, कि इन्होंने कहा कि क्विट इंडिया, स्वराज सेल्फ रूल, और जिन्ना ने कहा कि डिवाइड एंड क्विट इंडिया. तो अब यहाँ पर वो भी कांग्रेस में थे और बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई. तो एक दो जुमलों में मैं चाहता हूँ कि आपकी मैं राय लूँ कि ये जो फाइनली पैरेलल चलते रहे, मैंने कहा इनका एक टेंशन थी, बल्कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी, अब अगर हम बात करें तो गांधी के बेटे जो हैं वो मुसलमान हो गए जी, और वो काफ़ी घर में एक मसला हुआ और इन्होंने उसको ओन नहीं किया. दूसरी तरफ जिन्ना की जो बेटी थी, उनके साथ इनका मसला हो गया. तो दोनों की जो पॉलिटिकल लाइव्स हैं, गांधी और जिन्ना की, वो तो एक बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही कामयाब हैं, लेकिन उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी हैं वो मुझे लगता है कि दोनों, तो आप क्या समझते हैं कि जो नेहरू और पटेल और जिन्ना और ये जो पूरी सेल्फ रूल की जो इंडिपेंडेंस, इसमें आप हिंदुस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान की आज़ादी में आप गांधी के रोल को क्या अहमियत देते हैं? डॉक्टर साहब, अब ये बात तो ज़रा ज़र्फ की है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कि कुछ चीज़ें हैं जो सियासी तौर पर नज़रअंदाज हो गई, और कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें, जिस पर हम अपने तय एक नुक्ता नज़र रखते हैं, और बहुत से लोगों को हो सकता है मेरी बात पर ऑब्जेक्शन हो, मगर मैं अपने तय ये समझता हूँ कि ठीक है कि इसमें थोड़ा बायास है कि बहुत से लोग समझते हैं कि अरे गांधी जी से, साहब के एफर्ट से ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वार का ही मसला था, और वो अगर नहीं होती तो गांधी जी इस पोजिशन में कभी नहीं आते कि वो ब्रिटिशर्स के साथ ये तय करते कि आफ्टर यू नो वॉर आप हमें इंडिपेंडेंस दे देंगे, नॉट इन द कॉमनवेल्थ के अम्ब्रेला में, बल्कि हमें सेपरेशन दे देंगे. और उन्होंने फिर उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की शक्ल में, डिवीजन की शक्ल में इंडिपेंडेंस दी, क्योंकि मौलवी जिन्ना साहब आखिर वक्त तक राजी नहीं हुए. लेकिन वो जो 30 करोड़ मुसलमान था और वो जो 70 करोड़ हिंदू थे, उसके अंदर जो मुसलमानों का बंटवारा हुआ और जिस अंदाज का पाकिस्तान बना, कि बीच में पूरा हिंदुस्तान, दाएं तरफ ईस्ट पाकिस्तान, उधर पूरा 2000 मील के फासले पर वेस्ट पाकिस्तान, और इस डिवीजन के साथ जो पाकिस्तान बना और उसकी जो टूट फूट हुई बाद में, इन जनरल वो बड़ी टूट फूट अगर आपको नजर नहीं आती है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सियासी अंदाज में देखा जाए तो साउथ एशिया में मुसलमानों की ताकत को जितना बड़ा नुकसान पहुंचा उस डिवीजन से इन लॉन्ग वे, वो हम अभी भी समझ सकते हैं कि हुआ है नुकसान. अब छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो तो जारी बात है कि जो हैं वो तो अपनी जगह रहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होते हैं. अच्छा, अब रही बात, तो वो तो मेरा नुक्ता नज़र है कि मैं समझता हूँ कि वो एक, वो गांधी जी का दानिशमंदाना फैसला था, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का, और मुसलमान डर गए थे क्योंकि नेशनल स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया था, वो डर रहे थे कि डेमोक्रेसी आएगी तो वो कभी भी रूलिंग पावर नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो बादशाह रह चुके थे, और उन पर ये इल्ज़ाम हिंदुओं ने लगाया कि तुमने 400 साल तक जब तक राज किया और जब तक तुम बादशाह बने रहे उस वक्त तक तो हिंदुस्तान तुम्हारे लिए ठीक था, और जब तक कल्चर भी सही था और सब कुछ ठीक था, लेकिन जो ही तुम डेमोक्रेसी में आए तो तुमने कहा नहीं साहब, हिंदू मुस्लिम कल्चर अलग अलग है, अलग मुल्क बना लो, और मजहब के नाम पर मुल्क बनाने का नतीजा ये हुआ कि जो बना वो सामने आ गया. सकाफतों से मुल्क बनते हैं, जबान से मुल्क बन सकते हैं, लेकिन मजहब के नाम पे मुल्क नहीं बना करते, कम से कम मॉडर्न एज में तो ऐसी कोई मिसाल नजर नहीं आएगी. जहां है वहां पर मसाइल है. अब ये एक अलग बहस है, मगर जहां तक आपने उनके बेटे के हवाले से बात की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बड़े लोग होते हैं, जैसा कि आपने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था, रामलाल नाम था ना इनके, हरीलाल का, हरीलाल जो है वो इतनी नफरत करते थे कि एक बार एक जंक्शन के ऊपर गाड़ियां का रुकी, हजारों का मजमुआ था, तो उन्होंने एक संतरा दिया, अपनी माँ के नाम से लगाया, कस्तूरी माँ जिंदाबाद, या जो भी लफ्ज इस्तेमाल किया, सब लोग गांधी जी के लिए लगा रहे थे, और जब कस्तूरी लाल ने पलट के देखा और लोगों ने पलट के देखा तो उन्होंने एक संतरा दिया और कहा कि तुम खाना, इसको मत देना, बापू को मत देना. वो इतने नाराज थे, और बापू ने शायद उनको इंग्लैंड नहीं जाने दिया था बार करने के लिए, और उसके बाद ये अल्कोहलिज्म और क्या क्या कुछ हो गया, और फिर इनको, और फिर एक और भी सिलसिला है, पता नहीं टैगोर की कोई वो थी सरला, ये कॉन्ट्रोवर्सीज इनके बारे में मशहूर, जिससे इनका दिल लग गया था, 4-6 महीने वो उसमें इन्वॉल्व रहे, और ये बात जो है पता नहीं कस्तूरी को पता थी कि नहीं पता थी इनकी. मेरा अपना ख्याल ये है कि आदमी, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब ये एक लिहाज से अजीम इंसान था और बहुत कुछ, लेकिन नफसियाती मसाइल थे.
वो जो मैंने कहा कि वालिद फौत हो गए, ये अपनी बेगम के साथ बिस्तरी कर रहे थे, वहाँ से मसला शुरू होता है। और फिर बाद में टॉल्स्टॉय तो बेचारे बुढ़ापे में, उन्होंने कहा नो सेक्स नो वायलेंस, ये जवानी में। हाँ। और बीवी के साथ कहा कि जी मैं अब नहीं करता हूँ। बाद में और ख्वातीन के साथ इनके तल्लुकात, और ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में, अगर नफसियाती हवाले से बात करें, अखलाकी नहीं, तो ये चाहते थे कि जी मैं साबित करूँ कि मुझ पर सेल्फ कंट्रोल है, सेक्स का सेल्फ कंट्रोल। और फिर हुआ कि जी कुछ नौजवान ख्वातीन थी उनके साथ, बेटे के साथ भी, जो मेरा जो एनालिसिस था कि वो जब मुसलमान हो गया तो बजाय उसको एक्सेप्ट करने के, उन्होंने एक तरह से उसको इस तरह डिसोन किया, जो एक बाप बेटे का एक अच्छा नहीं था। तो बहरहाल ये इनकी ज़ाती ज़िंदगी है। मैं आखिर चूँकि एक मिनट रह गया है, मैं चाहता हूँ कि जिनकी जो वफ़ात हुई, क्योंकि जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे, उन्होंने इनको 3 बुलेट्स लगाई और उसके बाद ये वहीं पर इनका इंतकाल हो गया। मैं समझता हूँ कि उसने, चूँकि नया नया ये इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, मैं समझता हूँ इनकी मौत ने भी पोलिटिकली एक वेव आई, जिससे कि काफ़ी सूरत हाल पर असर हुआ। और ये चूँकि बज़ाहिर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी या उनको मतलब मिलाना चाहते थे, तो जो हिंदू है वो ख़ुद फंडामेंटलिस्ट, वो कह रहे हैं कि तुम जाके मुसलमानों को, तो मैं ये समझता हूँ नफसियाती या सियासी तौर पे कि मुसलमान इनको ओन नहीं करते, क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि ये एक तरह से मुतासिब शख्सियत थी, लेकिन एक हिंदू उनको मार रहा है कि तुम मुसलमानों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है। उसी तरह जैसे यिट्सक रबीन को जिस फंडामेंटलिस्ट यहूदी ने मारा कि तुम जाके यासर अरफात के साथ हाथ मिलाते हो, तो ये मैं समझता हूँ कि एक आयरनी है कि आप जिन लोगों के साथ सिंपथेटिक शो कर रहे हैं, वो भी आपको ओन नहीं करते, और आपके जो फंडामेंटलिस्ट हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक शख्सियत थी जो हिंदुस्तान की तारीख में एक उनका एक नाम था। हम अगले प्रोग्राम में हम इनके जो मार्टिन लूथर किंग थे, वो तो हम एक प्रोग्राम में कर चुके थे, तो दूसरे जो है वो अब्दुल गफ़ार ख़ान, जो बाचा ख़ान के नाम से जाने जाते हैं, और हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान की भी कोई रिप्रेजेंटेशन हमारे इस सीरीज़ में। तो हम अगला प्रोग्राम जो है वो गांधी के जो डिसाइपल सरहदी गांधी, बाचा ख़ान, क्योंकि बहुत कम लोग उनकी तफसील जानते हैं, तो हम उन पर प्रोग्राम करेंगे, ताकि ये जो पीस की जो सीरीज़ है, फिर हम आपको जो है ना कोफी अनान की तरफ लेके जाएंगे, ताकि ये एक मिनी सीरीज़ जो है वो आपको चंद शख्सियात का तारुफ हो, ताकि आपको एक इंस्पिरेशन हो कि आप इन शख्सियात के बारे में पढ़ें। तो यहाँ चूँकि टोरंटो में शाम है, तो हम आपको शब बख़ैर कहते हैं, और अगले हफ्ते हम आपसे की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप इजाज़त दें। Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan. At 905-367-9433 or visit www.gaskhantravels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan.
416-822-0305 or at suhailkhan.ca. Experience excellence. टीम फरहान मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में पेश पेश 15 साल तजुर्बे के हामिल आपकी जरूरियात और मर्जी के एन मुताबिक कारोबारी रिहायशी तामीराती और जरई मॉर्गेज सर्विसेज हमारा कम तरीन मॉर्गेज रेट टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा and this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. Mazeed malumat ke liye 416-569-9294 ya phir visit kijiye hamari website www.teamfarhan.com. Air Wings Travel and Tours, North America ki sabse baitamad aur fastest air travel services. 25 saal ka tajarba liye, la tadad affordable travel deals ke saath. Excellence in customer services on just one phone call. Ye hai Air Wings Travel and Tours. For booking, call now 1-855-247-9464 or 905-272-2300. Air Wings Travel and Tours. घर खरीदना है या बेचना या आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर ऑनेस्ट एडवाइस के लिए मुझसे राब्ता कायम कीजिए मेरा नंबर है 416-835-1997 या मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.badar.ca माय नेम इज बॉबी एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अवर वेरी न्यूएस्ट प्रोडक्ट इट इज ओनली विद अस विद पैनम ब्लाइंड्स in improved this combination of and silver shades so venus shades so or the shangri-la shades so it's a very unique and new product in different color it's a energy saver you can save your 85% energy and also it is it has child safety features over here if you see here if it goes down it will open itself and you will see through from this but ultraviolet rays controlled No UV light will come in and you can see out and people they can see very slightly please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life Was your family or business prepared for this financial crisis Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Roj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit rojfinancial.com. जब घर में आ जाएं कुछ अजनबी, तो रेस्क्यू करेगा रेस्क्यू कनाडा. बेड बग्स का हमेशा के लिए खात्मा द सोल्यूशन इज वन कॉल अवे 289-489-0678